हिममानव यानी कि एति का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन हिममानव को देखने का दावा बहुत से लोगों ने किया है। सभी ने एक ही बात कही कि कुछ पलों के लिए एति नजर आता है, उसके बाद एति गायब हो जाता है। जिन लोगों ने हिममानव को देखने का दावा किया था उनके मुताबिक यह हिममानव 9 फुट का था और जिसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर घने बालों से ढका हुआ रहता था। यह इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता था। दुनिया को पहली बार 1832 में एति के अस्तित्व के बारे में पता चला जब पर्वतारोही B.H. होनसन ने उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ट्रेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी को देखा जो कि 2 पैरों पर चल रहा था। उसे देखकर उनका गाइड डर गया और डर के भाग गया। होनसन ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में इसके बारे में लिखा था। होनसन ने ही पहली बार इस प्राणी को येति नाम दिया था। येति को अमेरिका में बिग फुट यानी बड़े पैरों वाला कहा जाता है। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.S. टॉमजी ने सन 1925 में जैमू ग्लेशियर के पास एक विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया था। इसके शरीर की बनावट इंसानों जैसी थी। इसके शरीर पर बहुत अधिक घने बाल थे। यह इंसानों की तरह चल रहा था। कुछ ही देर में वह बर्फ के बीच में कहीं खो गया। जहां पर वह विचित्र प्राणी मौजूद था वहां जाने पर टॉमजी ने ऐसे पदचिन्ह देखे जो 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े थे। येति के विषय में एक रोचक घटना 1938 में सुनने को मिली। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन ने बताया कि जब वह हिमालय की यात्रा पर गए थे तो वह बर्फीले तूफान में फंस गए और उनका एक पैर घायल हो गया, तो उसे हिममानव ने उनकी सहायता की और अपनी गुफा में ले गया और उनकी देखरेख की। एति से जुड़ी एक और रोचक घटना सामने आई थी जब एवरेस्ट गांव की एक शेरपा लड़की अपने याक को चरा रही थी। उसने बंदर जैसे दिखने वाले एक प्राणी को देखा। लड़की इस प्राणी को देखकर डर गई। इस प्राणी ने लड़की का हाथ पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और अंत में उस हिममानव ने लड़की के हाथ को छोड़ दिया और उस हिममानव ने उस लड़की के याक को खा लिया। जब पुलिस को भी मिले थे हिममानव होने के सबूत। इस घटना की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को लड़की द्वारा बताए गए स्थान से विचित्र प्राणी होने के पदचिन्ह मिले थे। हाल फिलहाल में 2008 में मेघालय के गोरो हिल्स के आसपास रहने वाले लोगों ने ऐसे ही एक प्राणी होने का दावा किया था जिसका वजन तकरीबन 300 किलोग्राम था। पर्वतारोही सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने भी 1953 में एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान बड़े बड़े पदचिन्ह देखने का दावा किया था। अक्टूबर 2011 में रूस के कैमेरोवा में अंतर्राष्ट्रीय येति कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में येति के होने का दावा किया था और कुछ सबूत भी पेश किए थे जिसमें येति के बाल शामिल थे। वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह बाल येति के हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और द लुसानी म्यूजियम ऑफ जूलॉजी ने मिलकर एक अनुवांशिक तकनीक के जरिए उन जैविक अवशेषों की जांच करने की योजना बनाई जिसके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि यह अवशेष हिममानव के थे।